क्वेश्चन ये जो अपन करेंगे वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। एक डेरिवेशन अपन को यहाँ पर करना है। क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहे हैं कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, क्वेश्चन है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड जब ब्रेक लगाए टू ए मूविंग व्हीकल तो क्या हुआ द डिस्टेंस इट ट्रेवल। बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले ब्रेक लगा दिए। अब स्टॉप ऐसे थोड़ी ना है, ब्रेक लगाते स्टॉप हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और बोल रहे हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रोड सेफ्टी। ये रोड सेफ्टी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एंड डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इसको इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट लिख दिया, आप यू भी लिख सकते हैं। एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेक की कैपेसिटी। ठीक है, और डी एसेलरेशन या डिक्लेरेशन। तो डी एसेलरेशन क्या है? माइनस सी, दैट इज कॉज्ड बाय ब्रेकिंग। तो अपन को डिराइव करना है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस चलेगा इसका अपन को एक्सप्रेशन डिराइव करना है ऑफ व्हीकल इन टर्म ऑफ वी नॉट एंड ए। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और ए के टर्म में अपन को डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन है, ये अपने पास ये पूरा का पूरा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि जब व्हीकल के ब्रेक लगाए तो एकदम से स्टॉप नहीं हुआ, थोड़ा डिस्टेंस चला। ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और ब्रेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे? अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वी नॉट बोल दिया अपन ने, एक्सेलरेशन बोले तो माइनस का ए है ना, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का ए। अच्छा, अब रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए और स्टॉपिंग डिस्टेंस को एस मान लेते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना चला है, स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस चला है मान लेते हैं एस। तो अपने पास एक इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। वी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, एक्सेलरेशन माइनस का ए है, डिस्टेंस एस है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू ए एस। तो फाइनली एस का फॉर्मूला ही अपन को चाहिए। तो एस किसके बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय टू ए। दिस इज द आंसर। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, लैंग्वेज तो इतनी बड़ी दे दी थी, बस अपन को कुछ करना नहीं था ज्यादा। सिंपल सा यू लिखा, वी लिखा, ए लिखा, एस लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।